बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। शर्मा ने कहा, कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर के सीएम शिवराज को भूखा नंगा कहा था तो उन्हें क्या पता शिवराज सिंह चौहान गरीब घर के एक किसान के बेटे हैं, इसलिए वे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कमलनाथ ने कभी धूप गांव गरीब का घर नहीं देखा, वे गरीब का दर्द क्या जानेंगे। कमलनाथ जैसा उद्योगपति गरीब के मकान में रहने का अधिकार छीन लेता है। उद्योगपति पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने योजनाओं को बंद कर युवाओं के हक को छीना है, यही मानसिकता है कांग्रेस की। साथ ही उन्होंने जीतू पटवारी पर भी निशाना साधा। पोपट का विधायक क्योंकि बेइज्जती करना, देखिए जब वो मुख्यमंत्री थे तब वल्लभ भवन के अंदर जो हमने कहा कि वल्लभ भवन को उन्होंने दलालों का अड्डा बना दिया। किसी भी जनप्रतिनिधि का सम्मान उन्होंने कभी नहीं किया, चाहे वो उनके दल का हो चाहे किसी दूसरे दल का हो। लोकतंत्र में चुने हुए लोगों का अपमान करना ये लोकतंत्र का मजाक नहीं है। और कमलनाथ जी ने उसने भी लोगों की अवहेलना की और आज भी इस प्रकार का बयान दे करके चुने हुए जनप्रतिनिधि का अपमान करने का काम कमलनाथ जी कर रहे हैं। और कमलनाथ जी को हमेशा पैसा दिखता है और ये मध्य प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार का अगर कल्चर डेवलप करने का काम किया है तो मैं पत्रकारों के सामने वो दावे के साथ कहता हूं, मित्रों इस मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार की खरीद फरोख्त और दबाव की राजनीति करने का काम भी कमलनाथ तुमने दिग्विजय सिंह के इशारे पर मध्य प्रदेश के अंदर शुरू किया था, जिसको हमने रोका और उसका परिणाम हुआ कि आपको सत्ता से बाहर जाना पड़ा।